हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। मैं दक्ष आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एक और न्यू वीडियो में। क्या मैं आज आपके लिए लेकर आता हूँ बहुत सारा बढ़िया सा गेम। स्क्रीन के सामने आप देख ही सकते हो एक बहुत सा मैं आपके लिए बढ़िया सा गेम लेकर आता हूँ जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ हिल क्लाइंब। तो किसी लोगों के कई लोगों ने खेला भी होगा था, कई लोगों ने नहीं भी खेला होगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं। आपको ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और ऐप स्टोर पर मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये इससे मिलती जुलती गेम एक और भी है जिसका नाम है गेटिंग ओवर इट। तो यार वो पैसों वाली गेम है, तो आप कई लोग वो नहीं भी गेम खेल सकते हो। उसके मिलता जुलता एक गेम मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ हिल क्लाइंब। तो वीडियो देखने के बाद जल्दी से आप इस गेम को डाउनलोड करके आपको सेम टू सेम वैसी फीलिंग देगा, बस थोड़ी सी अलग गया क्योंकि यार उसमें से एक ही प्लेयर होता है जिससे हमें आगे जाना होता है। तो इसमें हमें मल्टीप्लेयर देखते हैं। कई नेट वाली गेम नहीं है, ऑफलाइन गेम है। मल्टीप्लेयर मतलब कि कंप्यूटर के प्लेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर खेलते हैं। ये कंप्यूटर के प्लेयर्स हैं वो होते हैं, ये प्लेयर तो ये रियल प्लेयर्स नहीं है। हम जो खेलते हैं वही हम ही रियल प्लेयर्स हैं। तो आप देख ही सकते हो इतनी ज़्यादा एमपी की गेम भी नहीं है, तो लैग लूग का भी कोई भी इशू नहीं होगा। तो इस गेम का नाम है चैलेंजेस ऑफ हिल क्लाइंब। आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा और ऐप स्टोर पर भी मिल जाएगा। जल्दी से आकर वहाँ पर भी डाउनलोड कर लो। सिर्फ और सिर्फ 216 एमबी का ये गेम है। तो इतनी एमबी की ये गेम है, ग्राफिक्स भी ठीक ठाक है। तो ग्राफिक्स में मत जाओ आप, क्योंकि हर एक गेम जो ग्राफिक्स पर ग्राफिक जिसके गेम के ग्राफिक्स अच्छे नहीं होते, मतलब कि वो ये नहीं होता कि वो गेम भी नहीं अच्छी है। या गेम अच्छी होती है बस मानोगे या ग्राफिक्स थोड़े से हैं, पर इस गेम में ग्राफिक्स भी थोड़े से अच्छे हैं। इतने तो अच्छे हैं ही हैं जिससे हमें मज़ा भी आ जाए खेलने में गेम को। तो सारी गेम ग्राफिक्स के ऊपर डिपेंड नहीं होती। कई लोगों के ग्राफिक्स चाहिए होते हैं तो गेम मज़ा ही ना आए गेम खेलने में, तो यार क्या ही कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये भी बताऊँ, इस गेम में थोड़े से उससे ग्लिच बढ़ जाते हैं, उसके लिए थोड़े से माफ़ी मांगना चाहता हूँ मैं। क्योंकि ये गेम बढ़िया तो है पर यार थोड़े से ग्लिच बढ़ जाते हैं, कि मतलब कि आपने अभी देखा ही होगा पिछले सीन में देखा ही होगा कैसे क्यों हो गया वो नीचे चला गया। तो यार ये गेम ही से यार थोड़ी थोड़ी होते हैं ये बार बार नहीं होती हैं, ये थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी मतलब कि ये कभी कभी होते हैं तो कभी कभी नहीं होते। उसकी टेंशन आप मत लो यार, आप गेम में जब भी आप गेम में खेलोगे तभी नहीं होंगे, तो कभी कभी ये होते हैं गेम में ये ग्राफिक्स ये जो ग्लिच पड़ता है कभी कभी ही पड़ता है, उसकी टेंशन आप मत लो। बस आप गेम इंजॉय करो, गेम खेलने में आपको बहुत ही सारा मज़ा आएगा गेम खेलने में। तो अपने दोस्तों की बोलो इस गेम को खेले तो उनको भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इस गेम को खेलने में। तो इसमें वे चैलेंजेस दिए होते हैं जिससे हमें चैलेंजेस कम्प्लीट करना होता है। इसके नाम से पता चल जाता है चैलेंजेस ऑफ हिल क्लाइंब, जिससे साफ पता चल जाता है इसलिए हमें चैलेंजेस दिए होते हैं, क्योंकि हमें चैलेंजेस पार करते जाएंगे तभी तभी हमारा जो है वो है आगे बढ़ते जाएंगे, लेवल में लेवल इंक्रीज होते जाएंगे, लेवल बढ़ते जाएंगे, जिससे हमारी गेम थोड़ी सी और टफ होती जाएगी और हमें पैसे भी मिलते हैं इसके। तो जैसे जैसे आप पार करते जाओगे तो आपको पैसे भी मिले जाएंगे, जिससे आप अपना करेक्टर अनलॉक कर सकते हो, तो आप सब कुछ अनलॉक कर सकते हो। तो आपके सामने गेम आप गेम इंजॉय करो, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा वो गेम खेलने में भी। तो जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर न्यू चैनल को अभी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। 50 सब्सक्राइबर्स की जो हमारी गेमर आर्मी है वो होने लगी। आपने यहाँ तक सपोर्ट दिखाया तो मुझे पूरा यकीन है आप 50 सब्सक्राइबर्स की जो गेमर आर्मी है वो भी जल्दी से कंप्लीट करवा दोगे। तो मैं आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी गेम लाता रहता हूँ, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो बस हमें आपके लिए गेम लेकर चार मल्टीप्लेयर वाली गेम है, तो इसमें ज़्यादा कोई कंट्रोल्स वो नहीं होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर एक जॉयस्टिक का जिससे हमें घुमाना था, जिससे आगे आगे घुमाते जाएंगे तो हमारा प्लेयर आगे आगे चलता जाएगा, जिससे हमें पीछे पीछे घुमाते जाएंगे तो हमारा प्लेयर पीछे पीछे घूमता जाएगा। तो ऊपर आप देख सकते हो एक लाइन सी बनी हुई है, कोई लोग लाइन को इग्नोर कर रहे होंगे, पर नहीं है, लाइन बहुत ही ज़्यादा वो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है हमारी रेस कितनी बड़ी रेस है तो कितनी कम रेस है। टाइम की कोई लिमिट नहीं है, अब जितने टाइम की कोई वो नहीं है, तो इतने मिनट में आपको इतने मिनट में कंप्लीट करना है, उसकी कोई टेंशन की बात है। जितना टाइम लगेगा आपको उतने टाइम में आप कंप्लीट कर सकते हैं, कोई टेंशन की प्रॉब्लम नहीं है। इस गेम में होता है कि आपको टाइमर लिखा आ जाता है ऊपर, तो इसने इतने टाइम में आपको इतना गेम को पूरा करना है, इतने टाइम में आपने गेम को पूरा नहीं किया तो आपकी गेम ओवर हो जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। गेम जितनी मर्जी टाइम लगाओ तो वो आपकी गेम कर जाएगी, जितना मर्जी टाइम लगाओ आप, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और गेम के साथ।